अभी अरहर हमारा झारखंड में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। अगर हम देखेंगे पूरा भारत में, भारत तो फर्स्ट में है प्रोडक्शन एंड एरिया में, और अरहर का प्रोडक्शन एंड एरिया में झारखंड लगभग 6 नंबर में है। तो अभी हम लोग समझ सकते हैं ये कितना महत्वपूर्ण फसल है, और इसका जो प्रोटीन भी इतना 20% तक मिलता है, तो न्यूट्रिशन के लिए भी ये अच्छा फसल है। और आपका जो मिट्टी का जो हेल्थ कंडीशन जो मेंटेन करना है, क्योंकि ये लेग्यूम क्रॉप है, इसमें बैक्टीरिया जो है नोड्यूल फिक्सेशन से नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, तो सॉइल हेल्थ के लिए ये अच्छा है। तो ये सबसे बढ़िया क्रॉप है। और जो रेनी सीजन में भी जो आपका जो पानी आना, बरसाती मौसम में जो पानी का जो ब्रेक आ रहा है बीच बीच में, ये सह जाता है। तो आप बिना सिंचाई इसमें आराम से आप अच्छा से उपज इसमें निकाल सकते हैं। तो अभी जो अभी देखते हैं, तो हम लोग लगभग जून जुलाई माह से हम लोग रोपाई इसका हो गया है, मैंने सोइंग या ट्रांसप्लांटिंग जो भी किए होंगे तो अभी इस स्टेज में अगर देखेंगे तो शॉर्ट ड्यूरेशन का किस्म अगर देखेंगे तो ये फ्लावरिंग स्टेज में होगा, और लॉन्ग ड्यूरेशन वाला देखेंगे तो ब्रांचिंग, थोड़ा ब्रांचिंग ऑलमोस्ट ख़त्म होके फ्लावरिंग शुरू हो जाएगा अभी ये अक्टूबर मास तक। इसके बाद लॉन्ग ड्यूरेशन वाला में नवंबर के आसपास इसका फ्लावरिंग शुरू हो जाएगा। अरहर की अच्छी फसल के लिए खेत को अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। अच्छी उपज के लिए उन्नत किस्मों का चयन बेहद ज़रूरी है। जो हम लोग प्लान करते हैं ना, कौन सा क्रॉप किसके बाद लेना है, जो फसल चक्र है, तो अगर हम लोग इसके बाद और कुछ क्रॉप लगाना चाह रहे हैं, रबी का क्रॉप, तो हम लोग शॉर्ट ड्यूरेशन का किस्म लेना है। लगभग 120 दिन का होता है, 4 महीना में इसका ख़त्म हो जाता है, माने अक्टूबर दुर्गा पूजा के आसपास इसका कटिंग हो जाता है, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं उसके बाद। और लॉन्ग ड्यूरेशन है तो आपको फरवरी मार्च तक चलेगा, तो एक ही फसल इसमें ले सकते हैं जो हमारा फसल चक्र में। उसके बाद समर क्रॉप ले सकते हैं, तो आपको प्लान करना होगा, उसके अनुसार आपका इसमें किस्म को चुनना पड़ता है। ड्यूरेशन के अनुसार आपका कौन सा क्रॉप नेक्स्ट आ रहा है, उसके अनुसार आपको किस्म को चुनना पड़ेगा। तो ये थोड़ा किसान भाई और दीदी लोग इसको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको अगला फसल रबी का फसल डालना है तो शॉर्ट ड्यूरेशन किस्म, तो 120 दिन में ख़त्म होता है। जैसे पूसा अरहर का एक वेराइटी है, वो 120 दिन में ख़त्म होता है, उसको अगर लगाए हैं तो रबी फसल ले सकते हैं। इसमें आपको लॉन्ग ड्यूरेशन में बहार एक है, 280 दिन तक इसका जाता है ड्यूरेशन, और मीडियम ड्यूरेशन है लाइक आशा एक है, आशा बहुत पॉपुलर है इधर झारखंड में। फिर बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जो रिलीज़ हुआ है बिरसा अरहर एक करके है, ये भी मीडियम ड्यूरेशन में आता है। ये दोनों लगभग 200 दिन में ये तैयार होता है, तो ये भी आप ले सकते हैं। इसका लगभग 2 टन प्रति हेक्टर इसका आपका यील्ड मिलेगा।